Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 6th G Science, we are on chapter 4th. Our today's topic is homogeneous mixture and heterogeneous mixture. First one, we have homogeneous mixture. A homogeneous mixture is that which has some composition throughout, that is, its components are uniformly distributed. होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसके जो कंपोनेंट हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. हैंस इट्स डिफरेंट पार्ट्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर. इसका मतलब ये है कि इसके जो पार्ट्स हैं एक दूसरे से उनको आप डिफरेंशिएट उसको नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते. ए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर इन वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, अलॉयज, ब्रास, ब्रॉन्ज, फ्यूज, वायर आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. ये होमोजीनियस मिक्सचर के कुछ एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट वी हैव हेट्रोजीनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज दैट विच डज नॉट हैव सेम कम्पोजिशन थ्रू आउट, जिनकी कम्पोजिशन एक जैसी नहीं होती. दैट इज इट इस कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते उसके कंपोनेंट्स. हैंस इट्स डिफरेंट पार्ट्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर, इसलिए इसके अलग अलग पार्ट को हम एक दूसरे से अलग देख सकते हैं. मिक्सचर ऑफ सैंड इन वाटर, आयरन नेल्स इन सल्फर पाउडर, पेबल्स इन राइस एंड सम आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर. जैसे सैंड का पानी में घुल जाना, आपको सैंड अलग से ही दिखेगी, पानी अलग दिखेगा. आयरन नेल सल्फर पाउडर में क्या है, आयरन नेल्स को डाल देंगे. पेबल्स राइस के अंदर जो कंकड़ हैं वो उनको देख आप अलग से देख सकोगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर. नेक्स्ट वी हैव सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर. मिक्सचर को अलग अलग करना, सेपरेट करना. द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड. सिंपल फिजिकल मेथड से ही कंपोनेंट्स मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग किया जा सकता है. द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स आर बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंपोनेंट्स. जो सेपरेशन के मेथड है मिक्सचर्स के, उन वो बेस करते हैं, डिपेंड करते हैं उसके कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी प्रकृति पे. देर आर मैनी डिफरेंट मेथड्स बाई विच कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड. बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके द्वारा मिक्सचर्स के कंपोनेंट को अलग किया जा सकता है. फॉर अंडरस्टैंडिंग दैम बेटर, लेट अस डिवाइड द मिक्सचर इनटू थ्री कैटेगरीज. तो तीन कैटेगरीज में मिक्सचर को डिवाइड करेंगे. मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड, सॉलिड्स का सॉलिड के साथ मिक्सचर. मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद लिक्विड, सॉलिड का लिक्विड के साथ मिक्सचर. एंड मिक्सचर ऑफ लिक्विड विद लिक्विड्स, लिक्विड का लिक्विड के साथ मिक्सचर्स. ओके, नाउ फर्स्ट वन इज मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद सॉलिड. मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स विद सॉलिड्स, हैंड पिकिंग, हाथ से चुनना. द कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड विद सॉलिड मिक्सचर कैन सम टाइम्स बी सेपरेटेड बाय पिकिंग देम विद हैंड्स. हाथ से उठाकर भी उनको हम अलग कर सकते हैं. दिस मेथड इज यूज व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर डिफरेंट कलर, शेप एंड साइज. ये मेथड यूज किया जा सकता है वहाँ पे जहाँ पे कंपोनेंट्स के शेप, साइज और कलर जो है अलग अलग हों. एंड क्वान्टिटी ऑफ मिक्सचर इज स्मॉल, और मिक्सचर में क्वान्टिटी जो है कम हो. जैसे दालों के अंदर कंकड़ हों, राइस के अंदर कंकड़ हों, उनको अलग करना हो. एग्जाम्पल ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बाई हैंड पिकिंग आर सेपरेटिंग पेबल्स फ्रॉम राइस और दाल, दाल और राइस में से निकालना, और सेपरेटिंग ग्रास फ्रॉम मिंट लीव्स. नेक्स्ट वी हैव थ्रेसिंग. ये जो गाँव वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है. थ्रेसिंग के द्वारा भी अलग किया जा सकता है. द मेथड इज जनरली यूज बाई फार्मर्स टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक आफ्टर द हार्वेस्टिंग. इसमें क्या है, दाने गेहूं के या किसी और चीज़ के वो अलग निकल जाते हैं, और जो तूड़ी बोलते हैं जिनको, या स्टॉक जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है थ्रेसिंग में. द ड्राइड स्टॉक आर बीटन, ड्राइड को बीट किया जाता है और थ्रेस्ट किया जाता है टू सेपरेट द ग्रेन, ग्रेन्स को अलग करने के लिए. इन द लार्ज फार्म्स थ्रेसिंग इज डन बाय यूजिंग द मशीन कॉल्ड थ्रेसर्स. ये एक मशीन होती है थ्रेसर, उसका इस्तेमाल करके ये किया जाता है. ओके, नेक्स्ट वी हैव द विनोइंग.
विनोइंग जो मेथड है, दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट लाइटर हस्क फ्रॉम द हैवियर ग्रेन्स लाइक वीट बाय विंड ब्लो मेथड। कि इस मेथड में क्या है, हल्की फुल्की हस्क यानी कि जो तिनके वगैरह हैं भारी हैवियर ग्रेन्स में से, उनको विंड ब्लोइंग मेथड से हवा के द्वारा बरसा, ना बोल सकते हैं आप इसको, बरसा कर भी अलग कर सकते हैं। इन दिस मेथड द मिक्सचर इज़ अलाउड टू फॉल फ्रॉम हाइट, हाइट से उसको गिराया जाता है। द लाइटर कंपोनेंट द हस्क, जो हल्के पार्टिकल्स हैं, गेट ब्लोन अवे टू ए डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर जाकर गिरते हैं। वाइल द हैवियर कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रेन फॉल डाउन क्लोजर, जबकि जो भारी दाने हैं जैसे गेहूँ के हैं वो पास गिर जाते हैं, वो मतलब अलग अलग हो जाते हैं। द टू पार्ट्स दस गेट सेपरेटेड आउट इनटू सेपरेट हीप्स, अलग अलग उनकी ढेरी बनाकर उनको अलग कर सकते हैं। आज हम यही तक पढ़ेंगे, यही मेथड्स में से आपको 4 to 5 क्वेश्चंस आप अलग करने बनाने फ्रेम करने की कोशिश करें। और फर्स्ट लेसन के कीवर्ड्स आपको लर्न करने के लिए कल दिए थे, वो याद करने थे। पार्ट ABC आज लर्न करने का होमवर्क है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट लेसन का पार्ट ABC। ओके, थैंक यू सो मच।